समय हमारे सामने आ रही है वो ये कि गलवान घाटी में जो भारत और चीन की सेनाओं के बीच टकराव हुआ था वहां पर 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं। अब तक जो खबर हमारे सामने थी वो 3 की खबर थी, लेकिन 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं सूत्रों के हिसाब से, ये खबर हमारे सामने आ रही है। और ये वाकई बहुत दुखद भी है और उसके साथ ही एक समूचे देश में उस गुस्से को भी भर रही है कि आखिर जब चीन के साथ हम बातचीत कर रहे थे तो उसे इस तरह की धोखेबाजी की जरूरत क्या थी कि उसने एक छोटी भारतीय टुकड़ी को घेर कर इस तरीके का आक्रमण किया है। भारत और चीन की सीमा पर गोली कभी नहीं चलती है, लेकिन जिस तरह की ये वारदात है, जिस तरह के हथियारों का, पत्थरों का, डंडों का, नुकीले कीले तारे लगे हुए डंडों का इस्तेमाल चीन ने किया है, उसकी मंशा पर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। हमारे साथ पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल बीपी मलिक जुड़े हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि आज का भारत और आज की भारतीय सेना पूरी तरीके से सक्षम है इस तरह की चीजों का जवाब देने के लिए, लेकिन इस समय हमें संयम से भी देखना होगा और देखना होगा कि सरकार कूटनीति, अर्थनीति, सारी चीजों को देखते हुए सैन्य नीति से क्या अपेक्षा करती है। हम उनसे बातचीत अपनी जारी रखें, उससे पहले हमारे संवाददाता मनजीत सिंह नेगी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजीत, ये वाकई एक ऐसा झटका है, एक ऐसा सदमा है, एक ऐसी खबर है, एक ऐसा आक्रोश होगा पूरे हिंदुस्तान का कि 20 भारतीय सैनिक हमने गंवा दिए। श्वेता, थोड़ी देर बाद सेना की तरफ से आधिकारिक तौर पर इस बात की पुष्टि भी होने वाली है, लेकिन ये खबरें लगातार सुबह से आ रही थी कि काफी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक घायल हुए हैं। हालांकि चीन को भी काफी ज्यादा, चीनी सेना को नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है, उनकी भी काफी कैजुअल्टीज हुई है, नंबर अभी मालूम नहीं है, लेकिन भारत का जहां तक नुकसान का मामला है इस बात की, क्योंकि चीन ने एक तैयारी के साथ इस हमले को अंजाम दिया, एक साजिश के तहत हमले को अंजाम दिया, क्योंकि एक तरफ बातचीत की बात की जा रही थी, अलग अलग पॉइंट्स पर लोकल कमांडर के बीच लगातार बातचीत चल रही, चीन खुद बातचीत को आगे बढ़ाने की बात कर रहा था और उसी बातचीत के दौरान उन्होंने पीछे से काफी तैयारी की। जैसे कि हम लगातार बताते जा रहे थे कि चीन ने अपने तरफ काफी बड़ी संख्या में और बड़े हथियारों के साथ अपनी तैयारी की थी, और कल जब ये घटना हुई देर शाम को लोकल कमांडर स्तर की जब बातचीत हो रही थी उस दौरान चीन की तरफ से कुछ हरकत हुई, उस हरकत को देखते हुए हमारे जो बिहार रेजिमेंट के सीओ थे अपने जवानों के साथ वहां पर पहुंचे और चीन की तरफ से एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हालांकि उसके बाद हमारे जो पीछे से जब बाकी सैनिक पहुंचे उस हमले को नाकाम भी किया गया, लेकिन उस फेस ऑफ के दौरान एक तरह से ये पहला मामला है जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे सैनिक शहीद हुए हैं। कर्नल बाबू बहुत सुलझे हुए अफसर बताए जाते हैं मनजीत, और वो बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाने का प्रयास भी कर रहे थे चीनी सेना के साथ मिलकर। क्या अगर मैं सैनिकों के बीच जानना चाहूं आपसे, तो आक्रोश बहुत ज्यादा है इस विश्वासघात का? श्वेता, मैं इस वक्त धारचूला जो कि चीन से लगने वाली दूसरी सरहद है उत्तराखंड, वहां पर हूं और आज पूरे यहां धारचूला से लेकर लिपू लेक जहां पर भारतीय सेना की तैनाती, आरटीबीपी की तैनाती है, देर शाम जब मैं वापस लौट रहा था तो हालांकि यहां पर भी सेना ने चीन के मुकाबले में पिछले दिनों में जो मूवमेंट हुआ है काफी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट किया है, तो एक तरह से आक्रोश था। जो कुछ सैनिकों से मैंने बिना कैमरे की बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि अब बहुत हो चुका है, इसका जवाब, मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। तो ये एक सेंटिमेंट भारतीय सेना का और यहां पर जो खासतौर से सरहद से जुड़े लोग हैं उनके बीच में निश्चित तौर पर देखने को मिल रहा है। और अब जब इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि होने के बाद सेना की तरफ से एक आधिकारिक बयान भी जारी होगा इस पूरे मामले को लेकर, कितने हमारे सैनिक घायल हुए, कितने शहीद हुए हैं, तो ये क्योंकि हम लगातार, श्वेता, एक बात कहते रहे हैं कि चीन के साथ कम से कम ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एक ऐसी सरहद है जहां पर बातचीत से बात होती है, ज्यादा से ज्यादा धक्का मुक्की तक ही बात होती है, अभी तक गोली नहीं चली, लेकिन अब लोगों को ये लगता है या जो सैनिक है उनको ये लगता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, चीन ये भाषा शायद नहीं समझता है, उसको उसी की भाषा में जवाब देना होगा। मंजीत, थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगी आपको, चूंकि इस समय न्यूज एजेंसी एनआई की तरफ से यह खबर आ रही है कि चीन के 43 से 45 सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं, इसमें इनमें बड़ी तादाद उन चीनी सैनिकों की है जो मारे गए हैं। चीन की तरफ से अभी पुष्टि, दरअसल भारत में खबर चलने के बाद ही वहां से कोई पुष्टि आ रही है, तो आपको बता दें पहले कि ये जो झड़प हुई थी भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच, उसमें न्यूज एजेंसी की तरफ से खबर ये आ रही है कि चीन की तरफ से भी 45 सैनिक बुरी तरीके से घायल हुए हैं और उनमें से बड़ी तादाद में मारे भी गए हैं।